हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी PT365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आपको ये सब पता भी होगा क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट में आते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, इन सब में आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल हैबिटेट या उसके सराउंडिंग को हम बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी भी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो किसी भी सर्टेन एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है। अभी इंडिया में नियर मोर देन 4500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नियर अबाउट 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, दूसरा ये आपको पता होना चाहिए किस एक्ट के अंदर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में क्या होता है, नेशनल पार्क में भी यही होता है, हम मेनली कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंदर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी सर्टेन एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क। अभी भी इंडिया में मोर देन 100 नेशनल पार्क है, दैट इज 104 नेशनल पार्क है इंडिया में। अब कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं। देखो, ये भी एक कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरियाज को जो इंट्रोड्यूस की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, फर्स्ट बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी इनहैबिटेड एरिया है जो एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है, जो मेनली क्या है, जो इनसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ या फिर कोई भी रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के साथ क्या हो, एक कॉरिडोर होता है, कनेक्टेड एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, इस एरियाज को हम इसलिए कंजर्व करते हैं ताकि जो मेनली जो जहाँ पे कोर हैबिटेट है हम क्या कर सकें, उन्हें क्या कर सकें, वहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। ठीक है, सच एरियाज आर डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन एरिया इफ दे आर अनहैबिटेटेड एंड कम्प्लीटली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कम्प्लीटली कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ये यूज़ कर सकती है कम्युनिटीज़। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ इन्होंने मिलकर बनाया है तो वो कम्युनिटीज़ से यूज़ कर सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्ट करके किसी भी एरिया को कम्युनिटी या कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर कर सकती हैं। करंटली इंडिया में 127 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं और मैक्सिमम जो है वो मेघालय स्टेट में, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, कोई यूनेस्को क्या करता है, उसे डेजिग्नेट करता है। देखो, आपको पता चल गया बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को डेजिग्नेट करता है, इसमें कोई भी टेरेस्ट्रियल, मेरीन या कोस्टल इकोसिस्टम किसी को भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में तीन तरह का होता है, एक कोर जोन होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्शन, मतलब कोर जोन को हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, फिर बफर जोन को थोड़ा कम, फिर ट्रांजिशन जोन को बिल्कुल कम। इंडिया में भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हाईवर भी बड़े हैं। ठीक है, जिसमें जो 11 है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, टाइगर रिजर्व देखते हैं। टाइगर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको लगता है कि हाँ आप टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, एडिशनली उन्हीं को उसी नेशनल पार्क या उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम टाइगर रिजर्व भी बोल देते हैं। ये जो गोन किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा गोन किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, इसके अंदर भी कोर जोन होता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, जो कौन मैनेज करता है, एक सेकेंड, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट विच इज टू बी मैनेज एज एन इनवायलेट एरिया, मतलब यहाँ पे आपको कोई वायलेशन नहीं करना, और एक तरह का बफर और पेरिफेरल होता है विच इज इमीडिएटली अबंडिंग एज अ कोर एरिया विच मे बी अकॉर्डेड अ लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन। अभी इंडिया में करंटली 550 टाइगर रिजर्व हैं। अब बर्ड सेंचुरी क्या होते हैं, बर्ड सेंचुरी भी एक नेचुरल फैसिलिटीज होती हैं जहाँ पे हम मेनली वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। इंडिया में मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज हैं। नेचुरल कंजर्वेशन जोन क्या होता है, ये फ्रेश कमिटी टू असेस वेदर सब रीजनल प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स वर कंसिस्टेंट विद द रीजनल प्लान, जो प्रिपेयर करता है कौन, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग प्लॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ताकि हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें रेदर देन रियल इस्टेट। अकॉर्डिंगली जो कंस्ट्रक्शन इज अलाउड ओनली फॉर 0.5% एंड देट टू फॉर द रीजनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक रीजनल पार्क एंड अ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे क्या जो कंस्ट्रक्शन है मेनली कमर्शियल, रेजिडेंशियल या टूरिज्म या कोई भी रियल इस्टेट पर्पसेज के लिए वो स्ट्रिक्टली क्या होती हैं, बैन होती हैं। ठीक है, आगे करते हैं प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तमिलनाडु ने अनाउंस किया था कोवरी डेल्टा रीजन को अभी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को डिक्लेयर किया जाएगा ताकि हम क्या कर सकें, वहाँ पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ना वहाँ पे अलाउड किया जाए क्योंकि वो स्टेट का राइस बाउल है। कोवरी डेल्टा जोन के अंदर कौन कौन आते हैं, थंजौर, तिरुवरा, नागीपट्टनम, पुदुकोटाई, कुंडाकलू, मतलब ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु को जो इसके अंडर आते हैं। अब किसी भी, अगर किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, इसका मतलब ये कि पर्टिकुलर रीजन विल नॉट बी ग्रांटेड परमिशन फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कि अब वहाँ पे कोई भी नए प्रोजेक्ट की आपको परमिशन नहीं है रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन। ठीक है गाइस, एक सेकंड,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में थी, देखो अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आंध्र प्रदेश में देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो दो चीज़ें थी न्यूज़ में, नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व और दूसरा था अट्टापाका बर्ड सेंचुरी। पहले देखते हैं नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व में क्या था। देखो अभी क्या है, वहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के एफर्ट्स की वजह से क्या जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं नागार्जुना श्रीसलम टाइगर रिजर्व में क्या है, वो बड़े आंध्र प्रदेश में बड़े हैं, ठीक है। ये 38 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हुआ है और इसमें तेलंगाना के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज़ कुंडूर प्रकाशम कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के हैं, और तेलंगाना के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नलगोंडा और महबूबनगर, ठीक है। अट्टापाका बर्ड सेंचुरी क्या होती है, ये कोलोरी लेक में है, ये सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड है 2 माइग्रेटेड बर्ड स्पीसीज का, ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक्स का। कोलोरी क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, आपको पता होना जो कोलोरी के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जिसे हमने सेंचुरी स्टेटस दिया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये रामसर साइट है और इसे हमने इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ इंडिया का भी स्टेटस दिया गया है। और इस समय कौन सी न्यूज़ में थी, नलबाना बर्ड सेंचुरी। देखो नलबाना बर्ड सेंचुरी क्या है, ये कोर एरिया किसका, रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ छिलका, छिलका लेंगे आपको पता ही है हमारा वेटलैंड है, उसका कोर एरिया कौन सा, नलबाना बर्ड सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में जो तैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसमें क्या एक न्यू नेक स्नेक की स्पीसीज मिली है जो कि नॉन वेनेस में कि जहरीली नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे, तैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है, नियर टाउन ऑफ जीरो इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क में क्या, ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी स्पॉट में, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए इन टर्म ऑफ एरिया, ठीक है। जो इट्स हार्बर्स नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन वर्ल्ड ऑफ 27 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे चार जो कैट की स्पीसीज रहती हैं, बिग कैट स्पीसीज स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, कॉमन लेपर्ड्स और टाइगर। मध्य प्रदेश में चलते हैं, जो बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट है वो नाम पे था। अभी बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार क्या है, हमने एलिफेंट्स की कॉलोनी को फर्स्ट टाइम क्या किया है, एंड इज एन अनयूजल ओकरेंस इन द बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल जो पार्क है वो विंध्या हिल्स में फैला हुआ है, कहाँ पे, एमपी के उमारे डिस्ट्रिक्ट में। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1968 में, बाकी इसको 1993 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। नौरादेही सेंचुरी को देखते हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये दो मेजर रिवर बींस के स्प्रेड है, नेमली नर्मदा और गंगा के। यहाँ पे ये सक्सेसफुल टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम के लिए न्यूज़ में थी, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली क्या टाइगर को रीलोकेट किया गया। इसके पास साइड, इसके मतलब पोटेंशियल है कि वो चीता को भी रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम अफ्रीका से चीता लेके आएँ तो यहाँ पे हम रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वन विहार नेशनल पार्क है, ये भी भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में, नेचुरल हैबिटेट है फॉर अ वैरायटी ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। और मैनेज कौन करते हैं इसे, हम जू मैनेजमेंट के मॉडर्न कंसेप्ट से मैनेज करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कार्निवोरस हैं, टाइगर, वाइट टाइगर, लेपर्ड, हीनिया, स्लोथ, बियर, इन एनिमल्स को हम मेनली यहाँ पे रखते हैं कैप्टिविटी में रखते हैं। कैप्टिविटी मतलब कि लाइक उन्हें खुले में नहीं छोड़ते, उनको थोड़ा मतलब कि उसमें रखते हैं, ठीक है, जाल वगैरह में, ठीक है। इसमें कुछ फ्री रेंजिंग एनिमल्स भी जो खुला घूमते हैं, जैसे चीताल, सांभर, ब्लैक बक, ब्लू बल, चोंगिंजा, कॉमन लंगूर, ठीक है। इसके अंदर कुछ घरियाल, क्रोकोडाइल, टर्टल और कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज भी है। सतपुरा टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, ये भी सतपुरा में नर्दना मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुरा में क्या है, ये स्थित है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में तीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ओनली, सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी सेंचुरी और पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो देनवा रिवर है वो वहाँ की मेन वाटर सोर्स है उस पार्क का। अदर देन टाइगर जो प्राइमरी स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती है वो ब्लैक बक है, लेपर्ड है, ढोले हैं, इंडियन गोर है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल है, मालाबार विस्लिंग थ्रस्ट है, ठीक है। जो स्टेट बर्ड है वो मध्य प्रदेश का, या फिर जो ये जो स्टेट बर्ड ऑफ द मध्य प्रदेश एशियन पैराडाइज फ्लाजर इज ऑल्सो फाउंड है। जो स्टेट बर्ड है मध्य प्रदेश का वो उसको वो भी यहाँ पे पाया जाता है। तेलंगाना में देखते हैं कौन सी, पापीकोंडा नेशनल पार्क था। देखो ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में स्थित है, एंड जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया। अब जो अमराबाद टाइगर रिजर्व हम तो हमने पहले भी पढ़ा था, देखो ये सेकंड टाइगर रिजर्व है लार्जेस्ट, सेकंड मतलब फर्स्ट तो नागार्जुना कांड है, सेकंड टाइगर रिजर्व ये है लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द कंट्री, सिचुएटेड इन नलामाला हिल्स ऑफ तेलंगाना। अर्लियर पहले क्या था, ये नागार्जुना सागर का ही टाइगर रिजर्व का पार्ट था, लेकिन उसके बाद उसको बाइफर्केशन कर दिया था और इसे रिजर्व का नॉर्दर्न पार्ट बना दिया गया था तेलंगाना में, और उसे अमराबाद टाइगर रिजर्व रीनेम कर दिया गया था। ये डोमिनेट किसके द्वारा किया जाता था, चेंजेस के तरह ही पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, जो इन टाइगर और वाइल्ड एनिमल्स के साथ ही रहती थी फॉर लॉन्ग विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। 2017 में एक एंडेंजर्ड स्पीसीज था माउस डियर, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कवाल टाइगर रिजर्व क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना के सहाद्री माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। गोदावरी और कदम रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं इस सेंचुरी के साउथ में से। ये इंक्रीजली थ्रेटेंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन एनरोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, पोचिंग हो रही है, इलीगल वुड फैलिंग हो रही है और हैबिटेट लूज हो रहा है। गोवा में क्या न्यूज़ में था, महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये प्रोटेक्टेड एरिया गोवा में वेस्टर्न घाट्स में जो महादाई रिवर बेसिन के वहाँ पे स्थित है। इसमें क्या था कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाने का इनको प्रपोजल रखा हुआ था, बिकॉज यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स प्रेजेंट हैं। इसको इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी आइडेंटिफाई किया। कर्नाटका में जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व था ये न्यूज़ में था, ये कर्नाटका में स्थित है,
यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये अपनी जो बाउंड्री है वो तीन अदर नेशनल पार्क से शेयर करता है, नागरहोल नेशनल पार्क, वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। असम में देख लें काजीरंगा नेशनल पार्क, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 70% यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्न रिनोज रहते हैं। ये कहाँ ईस्टर्न हिमालय बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ पे गोलाघाट नागो डिस्ट्रिक्ट असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र इसकी जो रिवर है वो नॉर्दर्न बाउंड्री है। यहाँ पे वन हॉर्न्ड रिनोज तो रहती हैं, बाद साथ में इसके कुछ एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बुफेलो और स्वैम डियर भी रहते हैं। 1995 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को ने, और उसके बाद टाइगर रिजर्व भी इसको डिक्लेयर कर दिया था 2006 में। ठीक है, इसे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी आइडेंटिफाई किया किसने, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। ठीक है, सो गाइस ये कुछ जो सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो न्यूज़ में थे वो हमने देख लिया, किस किस के लिए वो फेमस है, किस स्पीसीज के लिए फेमस है और क्या कौन सी वहाँ पे नदी है। ठीक है, उनके बारे में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं जो कुछ फोना और फ्लोरा न्यूज़ में थे उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड फास्टेस्ट है, देखो रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है वर्ल्ड फास्टेस्ट, उसका नाम है सहारा सिल्वर आंट। इसकी जो स्पीड है वो 108 टाइम्स है एज पर देयर बॉडी लेंथ पर सेकंड, विच इज इक्विवेलेंट टू 3360 मीटर पर आर ह्यूमंस। ठीक है, सहारन जो सिल्वर आंट है वो मेनली जो नॉर्दर्न सहारा के सेंटर में पाई जाती है। द एंड स्केवेंज द कॉर्पसेस ऑफ अदर क्रिएचर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ये सर्वाइव करने के लिए करती है, आंट्स के पास सिल्वर हेयर्स होते हैं जो सन की रे को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तमिल यूमान इसको किरोकिरोस थाई भी बोला है। ये जो तमिल यूमान है अभी इसको बटरफ्लाई स्पीसीज है जो वेस्टर्न घाट से एंडेमिक है, इसे अभी तमिलनाडु के स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया। इसे तमिल मारावान भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है वॉरियर। महाराष्ट्र पहली स्टेट है जिसने ब्लू मोरमोन को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, उसके बाद फिर उत्तराखंड ने भी कॉमन पीको को अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया, कर्नाटका ने साउथर्न बर्ड विंग्स को अपनी स्टेट बटरफ्लाई कहा, केरला ने मलाबार बैंडेड पीकॉक, और अब तमिलनाडु ने किसको बोला, तमिल यूमान को अपनी स्टेट बटरफ्लाई। सो ये आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु से पहले भी बहुत स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टेट की बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया हुआ है। पर्पल फ्लो क्या है, पर्पल फ्लो को अभी शीघ्र ही क्या करा जाएगा, केरला के स्टेट एम्फीबियन को डिक्लेयर किया जाएगा। देखो इसका साइंटिफिक नेम ये है, आप पढ़ लेना, नसिका बात्रकोस हाद्रिनी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये वेस्टर्न गेट से एंडेमिक है, इसे लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। एज इट इवोल्यूशनरी रूट सजेस्ट इट कुड हैव शेयर स्पेस विद डायनासोर ऑलमोस्ट 70 मिलियन ईयर्स एगो। कहा जाता है कि 70 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर के साथ भी रहा है। इसे मावेली फ्रॉग या पिग नोज फ्रॉग भी बोला जाता है, और ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या अंडर द सोइल ही रहता है, और एमर्जिंग फॉर अ न्यू डेज ईच ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून टू ब्रीड। जब भी वो ब्रीड करने के लिए कहता है वो ऊपर आता है, बाकी सारा उम्र क्या है ये अंडर ही बुलाता है। अनलाइक अदर फ्रॉग इट हैज़ अ पेक्यूलर सेट ऑफ लिम्स एंड अ पॉइंटी नोज टू सर्वाइव अंडरग्राउंड रहने के लिए इसके पास कुछ पॉइंटी नोज है और सेट ऑफ लिम्स भी है। कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते, कोई एंडेंजर्ड में है, एक इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड लिस्ट में इसका जो रैंक है वो थर्ड है। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड एम्फीबियन। अगर एज के प्रोग्राम के बारे में देखा जाए तो ये एच स्पीसीज आर द एनिमल स्पीसीज विच हैव अ हाई एच स्कोर, अ मेट्रिक कंबाइनिंग एंडेंजर्ड कंजर्वेशन स्टेटस विद डिस्टिंक्शन ऑफ टैक्सोन। ठीक है, मतलब कि इन्हें हम कंजर्वेशन स्टेटस ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि ये एंडेंजर्ड की उसमें है। जो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन है उसने लॉन्च किया था ग्लोबल कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो एज ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम 2007 में। कुछ और स्पीसीज हैं इस लिस्ट में, वो बंगाल फ्लोरिकन है, गेंगस रावर डॉल्फिन है, हॉबिक्स टर्टल एंड घरियाल है। ठीक है, इंडिया स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग, ये थंबनेल साइज स्पीसीज है जो अभी इंडिया के वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया। साइंटिस्ट ने इस फ्रॉग का नाम एस्ट्रोबैक्टर्स कुरंजी तक इसका साइंटिफिक नेम है, फॉर इट्स कॉन्स्टिलेशन लाइक मार्किंग्स एंड द इंडिजीनियस पीपल ऑफ कुरिचियर माला द हिल रेंज वेयर इट वॉज फाउंड, जहाँ पर फाउंड हुआ था उसकी हिल रेंज का नाम के साथ उसको रख दिया। ठीक है, रिसर्चर्स ने इसको निकनेम किया स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग क्यों, बिकॉज दे आर अराउंड द साइज ऑफ एन अडल्ट, क्योंकि जो इसका साइज है वो जो हमारे अंगूठा है उसके साइज की तरह है। इसकी ऑरेंज बैली है, ब्राउन बैक है और कवर्ड वाइट स्पॉट्स हैं। ठीक है, न्यू स्पीसीज इज ओनली द मेंबर ऑफ एंशियंट लाइनेज दैट गोज बैक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्कवर ऑफ न्यू सब फैमिली। ठीक है, रिसर्चर्स को अभी तक इसकी लाइफ साइकिल समझ नहीं आई, ना इसकी साउंड ऑफ इट्स कॉल और वेदर द स्पीसीज थ्रेटन और एंडेंजर्ड, और अभी इसका कंजर्वेशन स्टेटस भी अभी साइंटिस्ट कुछ पता नहीं चला कि थ्रेटन है या एंडेंजर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल एंड इंडियन पीको सॉफ्ट शेल्ड रिसेंटली किया है अंडर ऑपरेशन टर्ट शेल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, और साथ में जो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 983 इंडियन फ्लैपशेल टर्ट को सीज किया है एंड 2 इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल को सीज किया, कहाँ से, वेस्ट बंगाल की मार्केट से। ऑपरेशन टर्ट शीट किस लिए था, ये न्यू सेंट्रल प्रोग्राम था ताकि हमें जो एंडेंजर टर्टल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। फ्लैपशेल टर्टल क्या है, ये स्मॉलर इन साइज होता है और इसको मेनली हम किस लिए मारते हैं, उसके मीट के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड एट अ डेलिकेसी जो मतलब कि बंगाल और बांग्लादेश में काफ़ी फेमस है। ये लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में आते हैं अंडर द IUCN, और जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं उन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, इन्हें भी शेड्यूल 1 में रखा हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
फ्रंट में और साइड्स के अपेंडिंग बोन में। ये स्पीसीज भी हैवीली एक्सपोर्ट होती है क्योंकि इसके मीट और उसके कैलिपर, ठीक है। अब तो आपको पता होना जो फ्लैप शेल टर्टल और जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है, दोनों उनके मीट के लिए क्या कह जाता है, उनको माना जाता है। और दोनों का आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। फ्लैप शेल टर्टल है जो लीस्ट कंसर्न में है और जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है वो वल्नरेबल कैटेगरी में। गंगा डॉल्फिन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती है गंगा डॉल्फिन क्योंकि हमारी नेशनल ये वो है, मतलब कि मैराइन एनिमल है, ठीक है। तो ये 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन ऑफ द वर्ल्ड में से एक स्पीसीज है। इसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि जो रिवरिन हेल्थ इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी हेल्थ इकोसिस्टम की अड़बड़ी है। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे इंडिया का, ठीक है। आपको पता चल गया, मैंने इसलिए बोला था कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन टू मेक स्ट्रेंज साउंड्स जब ये ब्रीद करती है या जब ये अर्निंग करती है, मतलब चुपके सुनती है, तो ये कुछ स्ट्रेंज साउंड बोलती है। इसको नाम सुसु भी बोलते हैं। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं बिकॉज इट डजेंट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस एंड यूजेज इकोलोकेशन टू नेविगेट। एंड मतलब कि इसकी आइज नहीं है, ये बस क्या करती है, मतलब लोकेशन इको लोकेशन पे मतलब कि वो होती है, यूज़ करते हैं नेविगेट या हंट करने के लिए। थ्रेट्स इसको क्यों है, देखो एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से, मतलब मेनली जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से इसको थ्रेट है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिशिंग या ड्रेजिंग की वजह से। IUCN जो स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड है। ये मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र की रिवर में पाई जाती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज में भी पाई जाती है। एनुअल गंगाज विद डॉल्फिन सेंसस 2019 में जो लिया गया था किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने कोलैब किया था यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। यहाँ पे 250 किलोमीटर में इसका स्टेटस जो ये था सेंसस लिया गया था अपर गंगा में बिटवीन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नरोड़ा रामसर साइट, ठीक है। 2019 में एक तांदेम बोट सर्वे मेथड यूज़ किया गया था। इज बीइंग यूज अनलाइक द डायरेक्ट काउंटिंग मेथड बीइंग यूज अर्लियर। पहले क्या था, डायरेक्ट काउंटिंग मेथड हम यूज़ करते थे इनकी पॉपुलेशन को मरने के लिए, लेकिन 2019 में एक तांदेम बोट सर्वे मेथड है उसे यूज़ किया गया था। हीरवाती डॉल्फिन देखो 146 अभी जो एंडेंजर्ड इन राजी डॉल्फिन हैं उन्हें भी छिलका लेक में देखा गया। ये छिलका लेक इनका सबसे मतलब घर है, हाईएस्ट सिंगल लैगून पॉपुलेशन है। ये जो इरवाती डॉल्फिन है मेनली ब्रैकिश वाटर में रहती है नियर द कोस्ट और माउथ ऑफ द रिवर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो इनकी पॉपुलेशन है वो माना जाता है कि 7,500 से कम है। जो IUCN स्टेटस क्या है इनका, एंडेंजर है। होबोरा बस्टर्ड क्या है, देखो ये लार्जेस्ट बस्टर्ड है जो एरिड क्लाइमेट में रहता है, जो मेनली नॉर्थ अफ्रीका या एशिया में रहता है। इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है थ्रेट्स इसको किससे, पोचिंग से, अनरेगुलेटेड हंटिंग या हैबिटेट डिग्रेडेशन से। डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये IUCN ने रिजल्ट अभी क्या किया है, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसे डाउनग्रेड कर दिया और नियर थ्रेटन कर दिया, मतलब कि अच्छी बात है इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये स्मॉल एम्फीबियस ऑस्ट्रेलियन मैमल है। ऑस्ट्रेलियन ड्रोट्स या जो इफेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लाइमेट चेंज एंड पुशिंग डक बिल्ड प्लेटिपस अ ग्लोबल यूनिक मैमल टुवार्ड्स एक्सटिंक्शन, ठीक है। सॉरी डाउनग्रेड किया तो मतलब कि इनकी पॉपुलेशन घट रही है, सॉरी, ठीक है। चाइनीज पैडल फिश जिसको हम सिफारस क्लेटिव भी बोलते हैं, इसे अभी एक्सटिंक्ट क्लियर कर दिया क्योंकि अभी क्या है 2009 के बाद इसे कहीं भी नहीं देखा गया, जिस वजह से इसको अभी एक्सटिंक्ट क्लियर कर दिया। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश थी और ये इसलिए जानी जाती थी क्योंकि इसकी लॉन्ग नोज होती थी, ह्यूज माउथ होता था और 200 मिलियन ईयर एगो पहले ये एग्जिस्ट करती थी। ड्रोस फोला रेड ब्रिटल स्टील, इसका आप देखो आप नाम देख सकते हो जो साइंटिफिक नेम है ऑफिकोमा 20, ठीक है। अभी क्या एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी पहली बार। जो ड्रोसोफिला है इज अ जीन्स ऑफ टू विंग्ड फ्लाइज, कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, दैट आर यूज इन इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल स्टडीज। ऑल्सो जीनोम ऑफ फ्रूट फ्लाई इन ह्यूमन जीन्स आर वेरी सिमिलर, मतलब जो फ्रूट फ्लाई और जो ह्यूमन जीन्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। रेड ब्रिटल स्टार क्या है, इट इज बिकम्स ओनली द सेकंड क्रिएचर आफ्टर सी अर्किन स्पीसीज नोन टू एक्स्ट्रा ऑकुलर विजन, मतलब कि क्या है ये बिना आंखों के क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्रिएचर बने आफ्टर अर्किन स्पीसीज, ठीक है। अनदर फीचर क्या है इसका कि ये क्या अपने कलर चेंज करते रहते हैं, सिग्नेचर कलर चेंज करते हैं। वाइल द क्रिएचर इज डीप रेड ड्यूरिंग द, मतलब डे के ड्यूरिंग तो ये बहुत डीप रेड होती है, जबकि जब नाइट हो जाते हैं तो इसका कलर क्या है थोड़ा सा बीज हो जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्लाइमेटोस निवालिस, अभी क्या रेड स्नो अंटार्कटिका कोस्ट में देखी गई थी नॉर्दर्न मोस्ट पेनिनसुला में। रेड स्नो किस वजह से होता है, यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक एल्गा स्पीसीज की वजह से होता है। जो क्लाइमेक निवालिस है ये स्नो में एग्जिस्ट करती हैं पोलर और ग्लेशियर रीजन में और अपने आप एक रेड पिगमेंट कैरी करती हैं ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें, वार्म रख सकें। ये एल्गी मेनली फ्रीजिंग वाटर में सर्वाइव करती हैं और अपनी जो विंटर्स में स्पेंड करती है बी लाइंग डोरमेंट इन स्नो एंड आइस। व्हेन समर कम्स एंड द स्नो मेल्ट द एल्गी ब्लूम स्प्रेड्स रेड फ्लावर लाइक, मतलब कि जब समर आती है तो ये क्या करती हैं ब्लूम हो जाती हैं और बिल्कुल लाल लाल की तरह स्प्रेड हो जाती हैं फ्लावर लाइक स्पॉट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या, एक्चुअली एल्गा की एक स्पीसीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओरिगेंटून देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरिगेंटून, ठीक है। ओरेंगोटून क्या है, ये इंडिया का ओनली ऑर्गेनोटन था जो अभी डाइड हुआ है ओडिशा के नंदीकरण जू पार्क में, ठीक है। इसको हम सिंगापुर से लेके आए थे, पुणे राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में हमने इसको क्या करा था मतलब कि लोकेट किया था और लेकिन उसके बाद हमने उसको बाद में ओडिशा शिफ्ट कर दिया था। जो
ओरेंगुटान्स हैं ये वर्ल्ड की 3 सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ ग्रेट एप्स में से एक हैं। और नेटिव कहाँ के, नेटिव आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया मलेशिया के, इंडिया के नहीं है ये। इट इज़ कंसीडर्ड टू अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट। दे आर यूज एज अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड कंस्ट्रक्ट एलेबोरेट स्लीपिंग नेस्ट ईच नाइट फ्रॉम ब्रांचेज एंड फॉलोएज एंड इवन प्ले अ वाइटल रोल इन सीड में सीड डिस्पर्सल में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती थी हैं। ठीक है, थ्रेट्स क्या है ना, देखो थ्रेट ये था हैबिटेट लॉस, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। IUCN में इसका स्टेटस किया था वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में या पेंडिंग्स वन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चिंगारा ग्रेजिल। देखो चिंगारा ग्रेजिल मेनली कहाँ रहते हैं, ड्राई हैबिटेट्स में, और इनको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए। उनको अपना जो मॉइस्चर अपने ड्यू से मिलता है ईटिंग वेजिटेशन फ्रूट एंड अदर सिमिलर सोर्सेस। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। जरा चिंगारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ ने अभी भुक्का पात्मा चिंगारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाइड किया, कहाँ पे, तमाकुर डिस्ट्रिक्ट में। ये साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ किसकी होगी, चिंगारा इन इंडिया। जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी चिंगारा की वो कहाँ पे, कर्नाटका के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश की थी। जो कर्नाटका है वो होम है 3 स्पीसीज आउट ऑफ द 6 स्पीसीज ऑफ एंटीलोप्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग ब्लैक बक, फोन हॉर्न एंटीलोप एंड चिंगारा। जो बुक्का पाटमा फॉरेस्ट एरिया है परहैप्स द ओनली डॉक्यूमेंटेड एरिया इन कर्नाटका फॉर ऑल द 3 एंटीलोप्स। भाई कर्नाटक के पास 3 एंटीलोप स्पीसीज हैं, और जो बुक्का पाटमा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे तीनों के तीनों जो एंटीलोप स्पीसीज है पाई जाती हैं। तो हमने पढ़ लिया 3 कौन कौन सी है, ब्लैक बक है, फोर हॉर्न एंटीलोप है एंड चिंगारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन अभी क्या है, 9th वर्ल्ड पेंगोलिन के डे पे हमने क्या किया, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर सक्सेसफुल रेडियो टैगिंग ऑफ द इंडियन, मतलब इंडियन पेंगोलिन को ये क्या करेंगे, टैग करेंगे। 2 रेस्क्यूड एनिमल्स वर, जो अभी 2 रेस्क्यू हमने एनिमल्स को रेस्क्यू किया उन्हें रेडियो टैग किया गया, और उन्हें सतपुरा टाइगर रिजर्व में क्या किया, रिलीज किया गया 6 महीने पहले। पेंगोलिन क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जाती है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ये साइट से अपेंडिंग वन में है। कॉमनली इन्हें स्केली एंटीटीज भी बोलते हैं। टूथलेस एनिमल है, इवॉल्व इन द आर्मर ऑफ स्केल्स विच हैज़ नाउ बिकेम द मेन कॉज ऑफ इट्स डिसअपीयरेंस। ये दिस आर द ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन द स्केल्स, मतलब कि आपको पता है जो मैमल्स हैं उनके स्केल्स नहीं होते, लेकिन ये ओनली मैमल है जिसको स्केल होते हैं। 8 स्पीसीज हैं पेंगोलिन के, लेकिन जो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन है वो इंडिया में पाए जाते हैं। जो चाइनीज पेंगोलिन है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, जबकि जो इंडियन पेंगोलिन है वो हर इंडिया के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है एक्सेप्ट एक्सट्रीम एरिड जोन, हिमालय और नॉर्थ, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ नहीं पाया जाता, मतलब कि जहाँ पे बहुत ड्राइनेस है वहाँ नहीं पाया जाता, या बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे हिमालय नॉर्थ ईस्ट वहाँ नहीं पाया जाता। मेजर थ्रेट क्या है पेंगोलिन के, देखो हंटिंग पोचिंग तो ये मेजर कॉज ही होते हैं किसी भी, देखो कोई भी अगर थ्रेट हो रहा है किसी भी स्पीसीज को, उसके 2 या 3 मेजर कोर्स होंगे हंटिंग पोचिंग या फिर उसका हैबिटेट लॉस। ठीक है, इस वजह से ये होता है। दूसरा कि जो पोच यू करा जा रहा है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, या इसका मीट और स्केल्स को ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज में काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली चाइना और वियतनाम। चाइना तो आपको पता ही है किसी को भी खा ले। जो इंडियन पेंगोलिन है वो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, जबकि जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकल एंडेंजर, तो आपको उसका स्टेटस भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ जो पेंगोलिन्स हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा। लार्जेस्ट सबटेरेन फिश, अभी क्या वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट नॉन सबटेरेन फिश है उसे हमने फाउंडेड किया रिसेंटली इन अ केव इन अ रिमोट फो, कहाँ पे, मेघालय के जयंते हिल्स में उन्हें हमने उसको डिस्कवर किया। ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है विच इज़ नियरली 5 टाइम्स द मीन लेंथ ऑफ ऑल नॉन सबटेरेन फिश। ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड स्पीसीज है, दैट्स इन सिमिलर किसकी तरह दिखती है, गोल्डन महसीर की तरह दिखती है। सबटेरेन इकोसिस्टम उन्हें बोलते हैं, आर कंसिडर एक्सट्रीम हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द डार्कनेस, ट्रंकेटेड फूड वेब्स एंड फूड स्कार्सिटी। ठीक है, सब डिस्पाइट ऑफ दिस दे हार्बर एक्सेप्शनल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट टेक्सा। ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए ये है क्या। ठीक है, मेघालय के जयंती इसमें मिली है। ठीक है, अब फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल क्या है, देखो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को हम डूबी गुलाबी बोलते हैं, ये मास्कोट है 436th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन ग्रीस। तो गाइस कल हमने पढ़ा था किस तरह जब 13COP में जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के उसमें मास्कोट ग्रेट इंडियन बर्ड था। ठीक है, उसी तरह जो 36 अभी नेशनल गेम्स हुई थी जो गोवा में हुई थी उसका जो मास्कोट है उसमें हमने रूबी गुला को क्या सुना है, मास्कोट सुना है। जो बुलबुल है, ये जो रूबी गुला है, ये स्टेट बर्ड है किसका, गोवा का, तो आपको पता होना चाहिए। और एंडेमिक कहाँ का, साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया से ही एंडेमिक करता है। इसका जो हैबिटेट है वो क्या प्रेफर करता है, रॉकी स्कब कवर्ड हिल्स, मोस्टली जो ईस्टर्न घाट्स में या सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया में, या फिर कुछ प्लेसेज जो वेस्टर्न घाट के हैं। ये मेनली जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न कर्नाटका में, गोवा, ओडिशा, ईस्टर्न केरला और नॉर्दर्न तमिलनाडु में। इसका जो शेड्यूल 4th में है बर्ड के अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जिसका IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं हेनिगो सेल्मिनिकोला। रिसर्चर्स ने अभी एक मल्टी सेलुलर एनिमल को फाउंड किया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया DNA नहीं है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है हेनिगो सेल्मिनिकोला, ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है। ठीक है,
नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल है, इट इज़ ओनली नॉन एन एनिमल टू एग्जिस्ट विदाउट द नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ पहला एनिमल ऐसा हमने देखा है कि जिसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इट इज़ सीन एज अ प्रोसेस ऑफ डी एवोल्यूशन एज इट हैड अननेसेसरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बिकम एन इवन सिंपलर ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं असम रूफ टर्टल। देखो इसे हम साइल्ट रूफ टर्टल भी बोलते हैं। ये मेनली ब्रह्मपुत्र मेघाना ड्रेनेज में पाया जाता है असम के एरियाज में और कुछ ईस्टर्न बांग्लादेश के एरियाज में पाया जाता है। जिसका स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। फिलीपींस ईगल क्या है? देखो ये मेनली एंडेमिक कहाँ के हैं? फिलीपींस के। वर्ल्ड की बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड है। पॉपुलेशन ये है कि अभी ये सिर्फ 800 ही रह चुकी हैं, तो इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर है। थ्रेट क्या है इसको? मेनली इनका जो डिस्ट्रक्शन हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर जो हंटिंग की वजह से। गोल्ड कोटेड फंगाई, देखो ये नेचुरल अकरिंग स्ट्रेन है। कहाँ पे? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगाई है, ठीक है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में मिली है। इस फंगी क्या करती है? अटैच करती है गोल्ड टू देयर स्ट्रैंड बाय डिसॉल्विंग एंड प्रेसिपिटेट पार्टिकल फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। मोर ओवर हेयर गोल्ड इज एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, हेल्पिंग द फंगस डाइजेस्ट सर्टेन का, मतलब जो यहाँ पे तो गोल्ड के जो रिजर्व होते हैं वो इनके इस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो इस फंगाई को और जल्दी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं? इसकी वजह से क्या है? अपने जो कुछ भी जो फूड ये लेते हैं उनको जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। ये जल्दी लार्जली मतलब ग्रो होते हैं लार्ज, ठीक है, और स्प्रेड ज़्यादा जल्दी जल्दी फैलते हैं देन दोज जो गोल्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो गाइस आपको पता चल गया नॉर्मल फंगाई और गोल्ड कोटेड फंगाई में ये कि जो ये फंगाई है गोल्ड की हेल्प से क्या होता है? ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब तेज़ी इसकी जो ग्रोथ है उसमें तेज़ी आती है और जल्दी जल्दी ये फैलती है, ठीक है। लास्ट पढ़ लेते हैं स्टीप ईगल, जिसको एक्यूलिया निपेलेनिस बोलते हैं साइंटिफिक नेम है। ये सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेटरी ईगल स्पीसीज है इंडिया का। इसको अभी हमने आंध्र प्रदेश में देखा गया। कन्वर्जन ऑफ ओपन हैबिटेट फॉर एक्वाकल्चर पेस्टिसाइड एंड वेरियस एफ्लुएंट पोस्ट थ्रेट टू द स्पीसीज, ठीक है। मेनली जो ये नेस्ट कहाँ पे है? नॉर्थन यूरेशिया में होती है, जहाँ पे किस किस एरिया में? ब्लैक सी कोस्ट टू हिल्स इन द ईस्टर्न कजाकिस्तान और रशियन अटल। जिसका स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले से हम IUCN रेड लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक ले बाय टाटा।